मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं। यस प्लीज डू इट। ओके सौरभ, सौरभ हैज डिड समथिंग। अदर्स ऑप्शंस आर 10%, 14%, 81% एंड 86%। सैलरी को छोड़ के बचे हुए चीजों पर कितना परसेंटेज खर्च कर रहा है? इतना कोई मुश्किल नहीं है, अकेला किया अब तक। ये तो सिंपल डायरेक्ट प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? या आप लोग देख रहे ही नहीं इसकी तरफ? जो पाठे ने मोबाइल स्टार्ट करके रख दिए कोने में। ट्राई प्लीज, गलत क्यों नहीं होता, ट्राई करो। देखिए फूड पे, क्लॉथिंग पे, रेंट पे, सेविंग्स पे और अदर्स पे कितना अमाउंट खर्च कर रहा है। इट इज गिवन टू यू। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट। वन मोर फेलो डिड, यस प्राप्ति, वेरी गुड प्राप्ति कर रही। चलो इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते सभी लोग। प्लीज टाइप। और याद रखो जो डिप्लोमा से आए हुए हैं वो लोगों के लिए एस एस सी सीजीएल, वैसे आप ग्रेजुएट्स भी लिख सकते हैं लेकिन डिप्लोमा के ऊपर भी आप SSC CGL के JEE के एग्जाम हर साल होते हो, वो आप लिख सकते। आप उसका भी सिलेबस ले लो, स्पेशली डिप्लोमा ऑर्डर्स। आप अभी से अभी भी लिख सकते हो उसको। आपका डिप्लोमा हो गया सो है, उसका सिलेबस देखो, उसमें भी एप्टीट्यूड बहुत पूछता। तो आप गेट गेट यही दिमाग में मत रखो। तो SSC CGL के जो JEE के एग्जाम्स रहते हर साल होते, हर साल वैकेंसी रहते, आप उनको भी ट्राई करो। उसका सिलेबस देखो, डिप्लोमा ऑर्डर्स। ऑफकोर्स ग्रेजुएट्स जब तक आप बी नहीं बनते नहीं लिख सकते, लेकिन डिप्लोमा वाले अभी भी लिख सकते उस एग्जाम को। तो वहां पर भी एप्टीट्यूड बहुत है। यस ओनली टू पीपल डिड, व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए फूड पे 4000, क्लॉथिंग पे 1200, रेंट पे 2000, सेविंग्स पे 1500, अदर्स 1800। मीन्स वॉट इज इट्स टोटल सैलरी? फर्स्ट यू फाइंड व्हाट इज हिज टोटल सैलरी। सैलरी में से खर्च कर रहा ना, व्हाट एवर इनकम इज देयर, तो इन सबको आप ऐड करो तो आपको मिलता कितना होता। देखो टोटल ऐड करके बोलो, ये सभी ऐड करे तो आई थिंक यू विल गेट 10,500। हिज सैलरी इज 10,500। सो ही स्पेंडिंग ऑन सेविंग इज 1500। तो स्पेंट ऑन सेविंग का परसेंटेज आता 1500 बाय 10,500 इनटू 100, 14.23। तो वो सेविंग पे खर्च करता 14.23 और सेविंग को छोड़ के जो खर्च करता वो आता 100 माइनस 14.23, इट इज 85 पॉइंट समथिंग और इट इज 86% अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। सो 86% डी इज द राइट आंसर। 86% डी इज द राइट आंसर। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। यस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स बेटर इफ यू हैव एनी डाउट्स। हर हाउस होल्ड इनका एक्सपेंडिचर का आपको अमाउंट दिया तो टोटल अमाउंट निकालो, सेविंग को छोड़ के कितना पैसा खर्च करता वो पूछना है। आप पहले सेविंग का परसेंटेज निकालो, टोटल परसेंटेज में से उतना माइनस करो तो आप बचा हुआ भी निकाल सकते हैं। दैट इज 86%। दिस कैरीज 2 मार्क्स आस्क फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। दिस आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स बिकॉज नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम, नेट इनकम यू शुड यू डोंट हैव एट दिस क्वेश्चन। आई विल टेक आफ्टरवर्ड्स। दिस इज ऑल्सो गेट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, what is the question here? Please see here. If 18% of number is 720, if 18% of number is, if 18% of a number is 720, then what is 81% of the same number? What is 81% of the same number?
ऑप्शंस आर 2380, 1620, 3240, 3160. If 18% of a number is 720, then what is 81% of the same number? Yes, somebody did very good. So, फटाक से करो. Okay, Arvi, very good. देखिए, किसी number का 18% 720 है, तो 81% कितना होता? देखिए, मैं आपको बहुत simple way में समझाता हूँ. 18% किसी का 720 हो रहा, तो आपको निकालना है 81% कितना होता. मैं आपको उसको दो तरीके से समझाता हूँ. देखिए, 18% 720 हो रहा, तो 1% कितना होता? 1% is equal to 720 by 18. देखिए, 18% 720 है, तो 1% कितना होता? 1% is 720 by 18. 720 by 18. Yes, Prapti, very good. So now 1% is 40. अगर से 1% 40 है, तो 81% कितना होता? That is 81 into 40. And 81 into 40 is 3240. 3240. आ रहा समझ में आपको? आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर से जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर, तो बेसिक चीजें याद रखो. देखिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे जीरो आता. यूनिट प्लेस पे जीरो चारों ऑप्शन है, छोड़ दो. अच्छा, सेकंड प्लेस में क्या आता? 4 × 1 = 4 आता. अच्छा, टेंथ प्लेस में 4 कहां आ रहा है? यहां पर, सिर्फ यहां पर आ रहा, तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन सी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट मल्टीप्लीकेशन. आपको स्मार्ट बन के एग्जाम में करना है, सही भी करना है और जल्दी भी करना है, सो दैट यू कैन सॉल्व द मैक्सिमम प्रॉब्लम्स. 18% ऑफ 18% इज 720, देन व्हाट इज 81%? तो 1% निकालो. 1% बनता 720 बाय 18. 1% को 40 है, तो 81% को कितना? That is 81 into 40, it is 3240. या एक और तरीके से बताता हूं मैं आपको. One more method is there. 18% अगर से 720 है, तो 9% कितना होता? 9% इसका आधा होता. 720 का आधा 360. 9% 360 है, तो 81% मतलब 9% को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81% आता. इसको 360 को भी 9 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर आपको फिर से वही आंसर आता. आप किसी भी मेथड से करो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आई वॉन्ट द राइट आंसर, दैट्स ऑल. आप अगर से मुझसे स्मार्ट है, आपके पास और कोई ऐसा मेथड है जो आप मुझसे अच्छा कर सक रहे, तो यू कैन फॉलो दैट मेथड. गॉट इट? नेक्स्ट वन. A number is increased. A number is increased by 84. A number is increased by 84. देखिए, 18% का 720 है, तो 9% का 360 तो हो गया ना. हाँ, ये करो. अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 84. अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 84. इट बिकम्स 107%. एक नंबर है, उसमें हम अगर से 84 ऐड करेंगे, तो परसेंटेज में कितना हो जाता? 107% ऑफ इटसेल्फ. उसका ही 107% बनता. So what is the number? Saurabh again did it. Very good, Saurabh. What is the number? आप किस method से कर रहे हैं? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. I want the answer. I want the quick answer. I want the right answer. और मैं आपको फिर बता रहा हूं, aptitude कोई सिखाने की चीज नहीं है. ये आपके अंदर से आनी चाहिए. कभी कभी मैं आपको जिस method से लंबा चौड़ा बता रहा हूं, आप उससे भी sharp way से कर सकते हैं. ये आपके अंदर आना चाहिए और ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आ जाता.
हो सकता है थोड़ा गॉड गिफ्टेड भी रहता, लेकिन प्रैक्टिस से भी आ जाता है, वो आपके अंदर आना चाहिए। आप फास्ट भी करो, जल्दी भी करो। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 84, देन इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज दैट नंबर? What is that number? So you see here, let us assume that that number is x. A number is increased by 84. अच्छा number बढ़ रहा कितना? 84. मतलब 84 add करो तो x plus 84 होता। ओरिजिनल नंबर x है हमारा और हम उसमें 84 ऐड कर रहे, इंक्रीज बाय 84। अच्छा परसेंटेज कितना होता? परसेंटेज 107% ऑफ इटसेल्फ। ऑफ इटसेल्फ मींस शुरू में x का परसेंटेज 100 रहता, अब वो हो गया 84 ऐड करने से 107%। समझ में आ रहा है आपको? देखिए नंबर को अगर से आप 84 ऐड करेंगे तो वो बनता 107%। नंबर में अगर से आप 84 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 107%। अब मैं नंबर x मान के चलता हूं और x में 84 ऐड कर रहा हूं, सो द नंबर नेक्स्ट नंबर इज x प्लस 84। नाउ ओरिजिनली इट वाज 100%, नाउ इट हैज बिकम 107%। तो इसका मतलब है ओरिजिनली ये x था, अब बढ़ के कितना हुआ? 84 ज्यादा हो गए। ओरिजिनल ये 100 था, अब कितना हुआ? 107%। कितने परसेंटेज बढ़ गया? 7%। नंबर कितना बढ़ गया? 84। मतलब 7% के लिए, 7% के लिए 84 है, 7% के लिए 84 है, तो 1% के लिए कितना? तो 1% के लिए 84 बाय 7 12 आता और 100% के लिए 1200। द ऑप्शन डी इज राइट। A number is increased by 84, it becomes 107% of itself. What is the number? Options are 600, 900, 1500 and 1200. 600, 900, 1500 and 1200. देखिए शुरू में हम मान के चलेंगे कि नंबर x है, तो नंबर x 100% बनता है, तो हम इसमें 84 ऐड करेंगे तो नया नंबर बनता। 84 ऐड करने पे यहां परसेंटेज कितना बढ़ता? 107%, 7% बढ़ता, मतलब 7% परसेंटेज बढ़ गया, नंबर कितना बढ़ा? 84 बढ़ गया। तो फिर इट मींस दैट फॉर 7% इट इज 84, देन फॉर 1% व्हाट इज द नंबर? दैट इज 12। That is 12. For 1% it is 12, then for 100% it is 1200. For 100% it is 1200. Option D is the right answer. Okay, next question you take please. The number of students in a class is increased by 20% and the number now becomes 66. देखिए एक क्लास में बच्चे हैं और 20% आप इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज करने के बाद 66 बन रहा, तो ओरिजिनली कितना था? ऑप्शंस है 45, 50, 55, 60. आप क्वेश्चन समझो और ट्राई करो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66। वेरी गुड आरवी, वेरी गुड। एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट आ रहा, बहुत खुशी हो रही मेरे को। करो अदर्स आल्सो प्लीज ट्राई इट। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, देखिए मेरी बातें आपको बहुत मतलब बहुत आप लाइटली लेते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंस दो आप एप्टीट्यूड को, ये बहुत जरूरी है। आप एक घंटा आया मेरे सामने बैठने से तो कुछ करने से आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। चुप आप अटेंडेंस के लिए ये मत करो, कोई अटेंडेंस से आपको कोई फांसी नहीं दे रहा है यहाँ पर, ना घर को भेज रहे आपको, क्या डिग्री आपकी रोक रही। यस आरवी हैज डिड, वन मोर फॉर एनीबॉडी। स्वप्निल काकड़े आल्सो डिड, वेरी गुड स्वप्निल। बहुत सिंपल है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम्स 66। देखिए शुरू में 100% थे, उसमें 20% ऐड हो गए,
तो 120% हो गया, तो 120% इज 66, समझ में आ रहा आपको, 100% थे हमको कितना x निकालना है, लेकिन 120% को 66 हो रहा, देखिए 120% को 66 हो रहा, तो 1% को कितना होता आप निकाल सकते, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते 100 से, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते 120% को 66 हो रहा, 40% को 22 हो रहा, 20% को 11 हो रहा, मतलब शुरू में जितने थे उससे भी 11 ज्यादा हो गए तो 66 आता, इसलिए 66 माइनस 11 इज 55। ये सब कैलकुलेट करते नहीं बैठने का एग्जाम में, आपको सोच सोच के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करना। देखिए जो इजी क्वेश्चंस है आप जल्दी करेंगे उनको, सही करेंगे तो आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम रहता, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 20% एंड द नंबर नाउ बिकम 66, ओके। इनिशियली द नंबर वॉज, शुरू में कितना था, अच्छा शुरू में कितना था मतलब 100% है, अब मैं 20% बढ़ा दिया, 120% हुआ, 120% को 66 है, तो 40% को 22, 20% को 11, और 20% बढ़ गया है तो 11 बढ़ गए हैं, तो 66 में से 11 हटा दो तो शुरू में थे 55, द ऑप्शन इज 55 इज राइट आंसर, द ऑप्शन 55 इज राइट आंसर, ऑप्शन 55 इज राइट आंसर। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, सीखो लेकिन कोशिश करो। देखिए ये क्वेश्चन लिख लो, इन अ मैरिज पार्टी 32% आर वुमेन, 54% आर मेन एंड देर आर 196 चिल्ड्रन। इन अ मैरिज पार्टी 32% आर वुमेन, 54% आर मेन and there are 196 children. How many men are there in the marriage party? How many men are there in the marriage party? In the marriage party, 32% are women, 54% are men, and there are 196 children. How many men there are in the marriage party? Very good, somebody did. Okay, are we very good? I think it is right, but let me see. What about others? In the marriage party, 32% are women, 54% are men, and there are 196 children. How many men are there in the marriage party? How many men are there in the marriage party? How many men are there in the marriage party? देखिएगा, अच्छा शुरू में तो 100% रहता, कहीं पे भी किसी भी चीज का आपको टोटल 100% है, टोटल में 32% क्या है वुमेन है और 54% क्या है मेन है। देखिए थ्री कैटेगरी के लोग रहते हैं पार्टी में, मेन रहते हैं, वुमेन रहते हैं, फिर चिल्ड्रन रहते हैं। चिल्ड्रन मीन्स दे कैन बी अगेन बॉय और गर्ल, दैट स्पेसिफिकेशन इज नॉट नीडेड हियर। सो थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल आर हियर, वन इज मेन, अनदर इज वुमेन, थर्ड इज चिल्ड्रन। तो वही बताया ना आपको, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। नाउ वुमेन है 32%, मेन है 52%, लेकिन वो यहां क्या किया, चिल्ड्रन का परसेंटेज नहीं दिया, चिल्ड्रन का नंबर दिया। ये दोनों का परसेंटेज दिया और चिल्ड्रन का नंबर दिया, लेकिन हम चिल्ड्रन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसा, टोटल 100 रहता, 100 में से आप 32% वुमेन है, 54% मेन है, ये दोनों ऐड करो तो 86% बनता। तो अब जो बचेंगे 100 में से वो चिल्ड्रन ही रहेंगे, तो चिल्ड्रन है 14%। चिल्ड्रन कितने हैं, 14%। अच्छा 14% को कितना चिल्ड्रन बता रहा हूं नंबर्स, 196, और 14% 196 है तो 1% के लिए कितना, 1% के लिए कितना, तो 1% के लिए आप 1 into 54 करो
that is 756. 54 into 14 is 756. 756 is the right answer. One, देखिए 14% को 196 है, तो 1% को 196 by 14, that is 14. So 1% के लिए 14 है, तो हमको चाहिए कितने men है, और men 54% है, 54 into 14 करो, 746. 746. देखिए आपको कैलकुलेटर आलो है, फटाक से मल्टीप्लाई करो. कैलकुलेटर आलो नहीं है तो इस ऐसा मल्टीप्लाई करना. 4 4 16, यूनिट प्लेस पे 10 आ रहा. यूनिट प्लेस पे 10 में ऑप्शन यही है, तो पूरा मल्टीप्लाई करते मत बैठो आप. 756 ए इज द राइट आंसर. 756 ए इज द राइट आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट करो, सिलेबस बहुत कवर करना है. इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेने वाला हूं. अभी प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं वीक में एक पीरियड आता, वो भी आप लोग नहीं आते. एटलीस्ट मैथ्स नहीं तो नहीं, मुझे एप्टीट्यूड तो कंप्लीट करने दो. देखिए क्वेश्चन लिखो. इन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल. एक ऑफिस है उसमें 40% स्टाफ जो है वो फीमेल है. इन ऑफिस 40% स्टाफ इज फीमेल, 70% of the female staff are and 50% of the male staff are married. देखिए एक ऑफिस में 40% फीमेल है, उसके बाद जो फीमेल है उसके 70% मैरिड है, और जो मेल है उसके 50% भी मैरिड है. तो आपको क्या करना है कि ऑफिस में अनमैरिड लोगों का परसेंटेज कितना है. The percentage of unmarried staff in the office is, options are 64, 60, 54 and 42. मैं आपको फिर समझा रहा हूं. क्वेश्चन ऑफिस है, ऑफिस में 40% फीमेल है, और उस जो 40% है उसके 70% शादीशुदा है, और जो मेल है, बचा हुआ मेल स्टाफ है, मेल के स्टाफ का 50% भी शादीशुदा है. तो आपको यह निकालना है कि जिनकी शादी नहीं हुई, व्हाट इज देयर परसेंटेज, व्हाट इज देयर परसेंटेज. ऑप्शंस आर 64, 60, 54 एंड 42. ऑप्शंस आर 64, 60, 54 एंड 42. वेरी गुड. Somebody is doing. Again, it is RV. Very good. Please, others also follow it. He is doing very fast because he learnt, I think. He did it. तुम लोग भी सब करो. मैं कराने की जरूरत नहीं है ऐसे सब क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं आपको, अभी मुश्किल फेज को नहीं आ रहा हूं. ओके सोनाली, वेरी गुड. देशमुख दिव्या also did. देखिए ट्री के जैसा करो आप इसको, मैं आपको बताता हूं. बहुत से लोग कर रहे हैं, आप किसी भी मेथड से करने दो. ओके वेरी गुड स्वप्निल, एवरीबॉडी इज डूइंग. अब देखिए एक ऑफिस है, ऑफिस में कितने लोग रहते हैं, 100% है. 100% में फीमेल कितने हैं, 40. देखिए दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो फीमेल रहते हैं या मेल रहते हैं. जब 40 फीमेल है तो मेल कितने हो गए, 60. समझ में आ रहा आपको. ऑफिस है और ऑफिस में 100% लोग है, उसमें से 40% फीमेल है. जब फीमेल 40% है तो ऑटोमेटिकली मेल कितने हो जाएंगे, मेल 60% हो जाएंगे, मेल 60% हो जाएंगे. तो अब ये जब 40% आता, वो क्या बोलता, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, मतलब ये जो मेल है यहां पर 40%, इसका 70% मैरिड है. तो ये जो 40% है ये बचता, इसका 70%, इसका 70% बनता 28. इसका 70% बनता, जो बचता 40%, उसका 70% कितना बचता, 28. अच्छा 40 में से 20% मैरिड फीमेल है, तो अनमैरिड फीमेल कितने हो गए, 12%. अच्छा मेल में भी ऐसा ही है, मेल टोटल 60% है, लेकिन उनके 50%, उनके 50% 30% मैरिड है. तो 30% मैरिड है, 60 में 30 मैरिड होगा, तो अनमैरिड कितने हो गए, 30%. तो टोटल अनमैरिड फीमेल 12% है, टोटल अनमैरिड मेल 30% है. तो 30% प्लस 12%
42% is the number of percentage of the staff, unmarried staff in the office. Tree बना के ऐसा करो तो easy होता. पता नहीं आपको समझ में आया नहीं. बहुत से लोग करे, जो करे उनके लिए problem नहीं है, जो नहीं करे उनके लिए फिर बोल रहा हूं मैं. एक ऑफिस है, ऑफिस में 60-40% फीमेल है. जब ऑटोमेटिकली फीमेल 40% है तो मेल 60% बनते हैं. ऑफिस कैसे है, 40% यहां है फीमेल तो ऑटोमेटिकली 60% मेल ही बनेंगे. अब जो ये 40% है इनका 70% मैरिड है, तो 40% का 70% बनता 28. और 40 में से 28 अगर से मैरिड है तो 12 अनमैरिड है, तो अनमैरिड फीमेल आर 12%. उसी तरह 60% मेल है, 60% का 50% मतलब आधा, 60 का आधा इज 30%, 30% आर मैरिड. जब 30% आर मैरिड, 30% आर मैरिड, बचे सो 30% अनमैरिड है. बचे सो 30% क्या है, अनमैरिड है. तो टोटल जो आपके पास अनमैरिड लोग है वो है 12% एंड 30%. इट इज 42%. 42%. 12% एंड 30% इज 42%. गॉट इट? कुछ डाउट है तो पूछो. If you have any doubts, you can ask. Yes, clear the things. So next question लिख लो, फिर try करो break आता. A village lost 12% of its goats in a flood and 5% of the remainder died from diseases. ये गांव है, गांव में 12% गोट्स मर चुके हैं फ्लड की वजह से, और जो बचते हैं उसके 5% किसी बीमारी की वजह से मर गए. तो बचे हुए लोग 8360 है, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड. तो फ्लड से पहले उनका ओरिजिनल नंबर कितना था, what was the original number before the flood, what was the original number before the flood. A village lost 12% of its goats in a flood and 5% of the remainder died from diseases. If the number left now is 8360, what was the original number before the flood. मालूम हो रहा आपको, ब्रेक है, ब्रेक में करो आप इसको, दो चार मिनट टाइम लगे तो लगे, उसके बाद मैं देखता हूं. एक विलेज में 12% गोट